एक्टर सिम्बा नागपाल इन दिनों कलर्स टीवी के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 में नजर आ रहे हैं। सिम्बा भी टीवी के काफी पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं, हालांकि अभी उन्होंने एक ही डेली शो किया है जो कि है शक्ति। लेकिन अपने पहले ही शो से उन्होंने हर तरफ खूब सुर्खियां बटोरी हैं और लोगों की पसंद बन चुके हैं विराट बनकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिम्बा को शक्ति जैसा बड़ा शो मिला कैसे था? इस बात का खुलासा खुद कुछ वक्त पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में सिम्बा ने किया था। जहां सिम्बा ने सबसे पहले बताया कि आखिर उनकी एक्टिंग जर्नी कहां से और कैसे शुरू हुई। सिम्बा बताते हैं, मैं सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था। जब से मैंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म देखी, मैं एक एक्टर बनना चाहता था। हर कोई एक्टर बनने के बारे में सोचता है, लोग एक्टिंग को एक कल्पना के रूप में देखते हैं और वो कोशिश भी नहीं करते। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं और इसीलिए मैंने वो की। मैं पर्सनली कॉलेज लाइफ जीना चाहता था और पढ़ाई पूरी करना चाहता था। अपने तीसरे साल में गर्मी की छुट्टी के दौरान मुझे एक मौका मिला। मैं बीच बीच में कास्टिंग एजेंट से जुड़ता रहता था। मैं वीकेंड पर मुंबई भी जाता था और अधिक से अधिक ऑडिशन दिया करता था। उनमें से एक था स्प्लिट्स विला। सिम्बा बताते हैं कि जब उनका समर ब्रेक शुरू हुआ तो उन्होंने शो में एंट्री की थी और उन्हें अपना कॉलेज भी नहीं छोड़ना पड़ा था। वो अपने वेकेशन के खत्म होने से दो दिन पहले ही स्प्लिट्स विला को खत्म कर घर आ चुके थे और कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया। सिम्बा कहते हैं कि उन्हें तब से अपनी किस्मत पर बहुत यकीन होने लगा। इसके बाद सिम्बा ने सोच लिया था कि वो कॉलेज खत्म होने के बाद मुंबई जाएंगे और एक एक्टर के रूप में काम करेंगे, और ऐसा ही हुआ। सिम्बा लगातार ऑडिशन देते रहे जिनमें शक्ति शो भी शामिल था। सिम्बा कहते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ जो पैसे या फेम के लिए काम नहीं करता। मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे उसके लिए जुनूनी होना होगा। जब मैं शक्ति से जुड़ा तो दो चीजें थी। मैंने एक फिल्म भी साइन की थी जिसमें मैं मेन लीड निभा रहा था, लेकिन मैं स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं था और साथ ही मुझे एक्टिंग करने के तरीके के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब मैंने शक्ति की कहानी पढ़ी तो मैं काफी खुश हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी टीवी शो की स्क्रिप्ट इतनी मजबूत होती है। और दूसरी बात, मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं एक टीवी शो कर रहा हूँ तो मैं हर दिन काम कर सकता हूँ। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं जिम कर रहा था। मैं मोटा हुआ करता था। और अगर आप किसी चीज पर लगन से काम करते हैं तो आप सीखेंगे और डिसिप्लिन भी होंगे, तो एक्टिंग भी ऐसा ही है। आप सेट पर रोज खुद को पॉलिश करते हैं। शक्ति ने एक सीखने के मंच के रूप में काम किया और ये एक सीखने की प्रक्रिया है। अब मुझे विश्वास है कि मेरा डिसीजन सही था। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसा मंच मिला। तो देखा ना आपने कैसे कई ऑडिशन के बाद एक ऑडिशन ने सिम्बा की किस्मत पलट कर रख दी और आज शक्ति शो के जरिए वो घर घर में पहचान पा चुके हैं।